ये दोनों पार्टी हम लोग एक तो 34 वर्ष बतौला देते हुए चले गया और एक बेटा फेकू रोज बोलता कभी 15 लाख देंगे, कभी बोलता गैस का दाम इसका आधा हो जाएगा। आज देखिए गैस का दाम आसमान छू गया, हर घर घर का औरतें का पॉकेट से पैसा निकल जा रहा, जो कल 4.5 रुपए में गैस मिलता था आज 9 रुपए दाम हो गया। तो औरत लोग को ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो ऐसी पार्टी को वोट देने का कोशिश ना करे आप लोग, बिल्कुल भी ना करे। आगे अगर वो जीत गया तो ये 900 के जगह में 1.5 रुपए हो जाएगा, तो हर घर का मैंने घर के परेशानी बढ़ जाएगी। आज देखिए 34 वर्ष सीपीएम ने राज किया है, आजकल हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है, हम लोग को होने पड़ता था हेलोजिन चाहिए, किसी को खोजा हैचक चाहिए, कहीं हम लोग कोई अगर हम लोग कब्रस्तान में रात में जाते थे तो हम लोग को एक हेलोजिन लेना पड़ता था कि भाई किसके घर में हेलोजिन है, किसके घर में लाइट है। आज हम लोग बेझिझक रात को 2 बजे भी कब्रस्तान से होकर चलाते हैं, तो ये हमारी दीदी के देन है, ये हमारी दीदी से की गई है, ये बहुत बड़ा देन है हमारा कब्रस्तान का, जहां हम लोग जाकर सोएंगे। हमने घर तो जरूर बनाया लेकिन हमारे दीदी आके हमारा कोने वाला घर हमारी दीदी जगाई है, उसका नाम ममता बनर्जी। तो आप लोग ऐसे आदमी के संग ऐसे दीदी के संग गद्दारी ना करें, आप उनको वोट देंगे, हम लोग सब उनको वोट देंगे कि उन्होंने हम लोग के लिए बहुत काम किया, अभी 10 साल में इतना काम किया जो 34 साल में काम नहीं हुआ हम लोगों का। कल हम लोगों ने बड़े बड़े चंदा उठाओ चंदा उठाओ, फिर देखे चंदा चालू हो गया, अभी नया चंदा चालू हो गया, हर को भी पकड़ा दिया गया। हमारे मुसलमान जो रहता सिर्फ चंदा उठाने के लिए है, और ला के सरगना को पकड़ा दीजिए और बटवारा करता है, पता कीजिए आप लोग चंदा मत दीजिए और डरिए भी मत। अगर आप लोग मेजोर दोस्ती करता है हम लोग पास पाइए, क्यों चंदा देंगे हम लोग, क्योंकि सरकारी से क्या क्या पैसा, और जब सभी उसने काम था तो 34 साल उसने कोई काम नहीं किए, वो पैसा दिया कहा, कम पैसा आया, कहीं कहीं उन्नति नहीं हुआ, कोई जगह दिखा दीजिए। आज हर साल रास्ते में मर रहा होता है, इतनी ब्रिज बन रही है और तुम 34 साल में एक ब्रिज नहीं बनाए। आने वाला कल में आप लोगों को सोचना होगा कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया है। आप सीपीएम में है तो अपना वोट जाया मत कीजिए, क्योंकि वो आ नहीं सकता है तो क्यों जाया कीजिएगा अपने आप को। अब अपना वोट अपना तिरुमन में डालिए, सुब्रतो मुखर्जी का हाथ मजबूत कीजिए और देवी 291 सीट में लड़ रही है, आप देवी को लेकर वोट देंगे जो हमारे लिए हर वक्त को सोचती रहती है कि मुसलमान के लिए, आवाम के लिए, सिख हिंदू मुसलमान सबके लिए सोचती रहती है। हर जगह जाइए, आज आप कहीं चलेंगे तो आपको दूर से मालूम हो जाएगा कि मेरा ब्रेन ग्राउंड आ गया, आज हमारा दूर से लगा रहा है तो हमारा ब्रेन ग्राउंड आ गया है। कोई बाहर से अगर आदमी आता है तो हाँ यहाँ पर ब्रेन ग्राउंड है, एक सामने में पर का गेट लग गया वो दिखाई देता है। आज हमारा अंदर घुटने का ना पैर में ताला लगता है ना ना पछपछ करता आदमी का, यह हमारी दीदी ने सोचा हम लोग के लिए, कोई 34 वर्ष से कोई नहीं सोचा, आज वोट का नाम आया तब आ गया वोट देने के लिए, किसी ने नहीं सोचा है। तो हम लोगों मुसलमान को और पूरे अवाम को बंगाल का सोचना होगा कि हमारा कौन साथ देगा आने वाला कल में, कौन साथ देगा हम लोगों का, कौन साथ देगा आगे, नहीं तो हम लोगों को 1800 रुपए में गैस खरीदना होगा और पेट्रोल 150 रुपए में खरीदना होगा, और ये नहीं समझे पेट्रोल बड़ा आदमी का है, ये गरीब आदमी को पकड़ नहीं चलेगा। कुछ गरीब आदमी बोलता है कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ा तो बड़ा आदमी गाड़ी समझ लेंगे, नहीं, पेट्रोल का दाम डीजल का दाम बढ़ने से हर चीज महंगा हो जाएगा, चाहे वो सब्जी हो, जितनी भी ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ हर सामान आपको महंगा मिलेगा। तो आपको सोचना होगा, एक भी मैसेज का तीन भी महंगा पड़ जाएगा। तो आने वाला आप लोगों को सोचना है, इंशाअल्लाह हम अपने बात को खत्म करते हैं, तो बहुत 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 धन्यवाद आप लोग बोलेंगे आप लोगों को, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।